In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the University, the Great One, the Oracle, the Creator of all Prophet and His Unfounded with the nearest Allah and Yota, I am Sayyid Sir Baspukari. Today I am going to discuss with you the age of Dr. Johnson. It started 1744 to 1784. 1744 से लेकर 1784 तक ये दौर रहा है डॉक्टर जॉनसन के नाम से, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. द एज ऑफ जॉनसन, जॉनसन डाइड इन 1784, 1784 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी. एंड फ्रॉम दैट टाइम द क्लासिकल स्पिरिट इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन टू गिव प्लेस टू द रोमेंटिक स्पिरिट. फिर इसी दौर के अंदर जो है वो रोमेंटिक एज की जो है वो चाहत जो है वो जगह जो है वो मिलने लगी, जब उसकी जो है रूप जो है वो पैदा होने लगी. एज ऑफ ट्रांजिशन पोइट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं. लेकिन इस दौर में जो पोइट्स थे आप उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. डॉक्टर जॉनसन 1784, इसकी जो पोम्स हैं लंडन के नाम से है, द वेरिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. दूसरे को राइटर हैं गोल्ड स्मिथ हैं. 1728 टू 1774, 1728 से लेकर 1774 तक इनकी जो बुक्स हैं या इनके जो काम हैं उनमें जो है वो द ट्रेवलर, द डेजर्टेड विलेज शामिल हैं. माइनर पोइट्स के अंदर कौन कौन शामिल हैं, जेम्स थॉमसन 1700 टू 1748, द कैसल ऑफ द इंडोलेंस के नाम से उन्होंने किताब लिखी, द सीजन्स के नाम से भी किताब है. थॉमस ग्रे या थॉमस ग्रे 1716 टू 1771, द बोर्ड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी के नाम से बुक्स लिखी. विलियम कॉलिंस हैं यहाँ पे बुलाए थे 1721 टू 1759, 1721 से लेकर 1759 तक. हिज फर्स्ट बुक ओरिएंटल एक्लॉग्स के नाम से है, टू सिंप्लिसिटी टू फियर टू द पैशंस द ब्रेव. विलियम ब्लेक 1757 टू 1827, BLAKE ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के नाम से शायरी की पीस लिखी, किताब लिखी. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से इनकी पोइट्री की बुक है, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज जेम्स मैकफर्सन 1736 टू 1796. वर्क जो है इसका वर्क ऑन क्वेश्चन के नाम से है. रॉबर्ट बर्न है 1759 टू 1796, टू अ माउस, टू अ माउंटेन डेजी. विलियम कॉपर एक राइटर है 1731 टू 1800, ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर, ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर. जॉर्ज क्रैम है एक राइटर 1754 टू 1832, द पैरिश रजिस्टर के नाम से, द ब्रो के नाम से, टेल्स इज वर्स के नाम से जो पोइट्री लिखी गई इस दौर में. प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, एलिवेटेड फिगर सैमुअल जॉनसन, सबसे बड़ा नाम जो है वो सैमुअल जॉनसन का है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, 1709 टू 1784. ही वाज द लिटरेरी डिक्टेटर, लिटरेचर का जैसे डिक्टेटर कहा जाता है, ऑफ हिज एज अपने दौर का. स्ट्रगल हीरोइकली, इसने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की, स्ट्रगल की, जो के एक हीरो के तौर पर अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इल हेल्थ, गुर्बत के खिलाफ और सेहत जो है उसके बारे में, या जो लोग सेहतमंद नहीं थे उस दौर के उनके हक में जो ये बात करता था. ओके, सैमुअल जॉनसन के, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बेस्ट नोन वर्ड्स जो है वो कौन से हैं. डिक्शनरी, मतलब इसने डिक्शनरी पर जो है वो इब्तदा की, इंग्लिश डिक्शनरी का जो है वो तौर जो है वो शुरू हुआ, या इंग्लिश डिक्शनरी को जो है इब्तदाया जो है इसने अपने हाथों से किया. लाइफ ऑफ पोइट्स के बारे में इसने लिखा. रूक एक और राइटर हैं 1729 टू 1797, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ जॉनसन सर्कल, बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है जॉनसन के सर्कल के अंदर. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 30 ईयर्स, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है 30 साल तक. मेजर वर्क्स में इसके सामने थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट, थॉट्स ऑन द प्रेजेंट
दिस कंटेंट 1770 के अंदर 1770 के अंदर इसमें लिखी ऑन द अमेरिकन प्लांटेशन 1774 1774 के अंदर द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर दैट इज ऑल अबाउट द एज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू अल्लाह हाफिज़।